हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक क्या लिया था, भारत का इतिहास, जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना था कि इतिहास को जो है तीन भागों में जो है विभाजित किया गया है। फर्स्ट तो आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल, सेकंड आपका आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, और थर्ड जो आपका था वो था आधे ऐतिहासिक काल, है ना। तो टॉपिक वाइज हमने डिस्कस कर लिया था कि प्राचीन जो इतिहास है उसका स्रोत क्या है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। अब हम इस वीडियो में जो है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और फ्रेंड्स, आपको वैसे तो पता होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज़्यादातर जो है अब मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से क्लियर करना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था पसार काल यानी कि पत्थरों का काल, लोह काल और कांस्य, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, जो आपका सिंधु सभ्यता है, ठीक है, ये जो पूरा मतलब ये पूरा जो है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक यानी कि सिंधु सभ्यता को प्री हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और देखो फ्रेंड्स, इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और देखो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता तो अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है, लेकिन आप देख सकते हैं 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ठीक है। तो इसे माना गया है कि कब से स्टार्टिंग हुआ है, तो 3300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। और देखो फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा भी सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि जो है 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक जो है मानी गई है। तो आप देखो फ्रेंड, जब हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। और जो हड़प्पा जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था, तो राय बहादुर शाहनी ने किया था। तो आप ये भी कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो किया था राम बहादुर शाहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, ताकि अगर बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, विश्व की प्राचीन नदी जो घाटी है सभ्यताओं में से एक प्रमुख ये सभ्यता है यानी कि सिंधु सभ्यता, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो आज तक के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम व उत्तर भारत में फैली हुई है। तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से आपकी एक है सिंधु सभ्यता। और फ्रेंड्स देखो, प्राचीन मिस्र व मेटोपोटामिया जो सभ्यताएं हैं इसमें से जो एक का मतलब जो एक का कालक्रमों में ये सबसे जो है महत्वपूर्ण आपकी सभ्यता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, सम्मानित पत्रिका नेचर, ये आपको एक पॉइंट जो है अच्छे से याद कर लेना है, एक पत्रिका है नेचर, इसके अकॉर्डिंग जो है जो आपका सिंधु सभ्यता है इसके अनुसार जो है इसका 8000 वर्ष पुराना माना गया है सिंधु सभ्यता को नेचर पत्रिका के अनुसार, ठीक है। उसके बाद से हमने फ्रेंड्स अभी इस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया, सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युग से जाने जाते हैं यानी कि प्री हिस्टोरिक, जो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं हमने
सबसे पहले बात तो आप ये देखो, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे, इसे हम अभी एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स इसे समझाएंगे, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा आपके तो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, ठीक है। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता या फिर आप नगरी सभ्यता भी कह सकते हो। और देखो सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व व्यवस्था वाले जो है 6 मेन इम्पोर्टेंट आपको याद रखने होंगे, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 6 बड़े नगर आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से? तो मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पाया गया था, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के पास। और इसके जो उत्खनन करता है हमने आपको अभी बताया कौन है, तो रामा लाखालास बनर्जी, ठीक है। यानी कि जो इसके उत्खनन करता है वो है रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो को, ठीक है, जो कि 1922 में। और ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो है लरकाना जिला, ठीक है, वहाँ मोहनजोदड़ो जो है वहाँ स्थित है। तो आपके बारे में कुछ इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। और देखो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता, यानी कि उसे पशुनाथ भी कहते हैं, कि मूर्ति मिली है। और उनके चारों ओर हाथी विराजमान है। तो आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस पता होने चाहिए। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में और भी डीपली जानना चाहते हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नान नगर एक प्रमुख स्मारक है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नान नगर एक जो है प्रमुख स्मारक है। और फ्रेंड्स देखो, स्नान कुंड की अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो 11.88 जो है मीटर लंबा है, ठीक है, और 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन था ये था मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। और नेक्स्ट आपका आ जाता है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स हमने अभी जाना कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, और ये आपका जो है रावी नदी के पास स्थित है। और जो इसके उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी। एवं अगर आपको ऑप्शन में माधो स्वरूप वस्त्र मिले तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। और 1921 में इन्होंने किया था, तो इन्हें सिंधु सभ्यता की खोज भी कह सकते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता की भी, है ना। और स्थित कहाँ था फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के मोटोंगमरी जिले में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ था? तो पाकिस्तान के मोटोंगमरी जिले में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है गौड़ वरिवार। और नेक्स्ट आपका धौलावीरा, राखी गढ़ी एवं काली बंगल। तो इसके बारे में भी अभी हम चार्ट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे से जानेंगे। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल थे वो थे गुजरात में, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सिंधु घाट सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बंदरगाह कौन कौन थे? तो फ्रेंड्स लोथल एवं सुतोकोतदा, ठीक है, लोथल एवं सुतकोतदा जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि एक ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला था वो था कालबंगन, जो कि जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो था वो था कालीबंगन से। आपको पता होना चाहिए जो ईंटों का प्रयोग साक्ष्य था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था कालीबंगन से, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स देखो, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि
सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जब हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था तो सिंपली हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे पहला जो फसल था वो था आपका गेहूं और जौ, तो ये तो वही है ना। तो फ्रेंड्स देखो, सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, ठीक है। और देखो, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का जो है अपनाया था, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, घरों के विन्यास के लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाई थी, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी जो है बाई से दाई लिखी जाती थी। सिंपली आपको बस इसमें ये याद रखना होगा कि सिंधु जो सभ्यता थी, और फ्रेंड्स नेक्स्ट देख सकते हो जो आपका मेसोपोटामिया सभ्यता था, ठीक है, उसमें जो एक अभिलेख था मेलुहा शब्द, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता से ही लिया गया था और इससे ही रिलेटेड था। तो इसके बारे में भी आपको ये पता होनी चाहिए मेलुहा, क्योंकि देखो ये वर्ड आपका जो है पूछ दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स आप इसलिए जो है इसे टिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखो, सैन्य सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का जो है उपयोग करते थे, तो इनके बारे में इतना जानना बहुत है। अब देखो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी आप हमने पढ़ा हड़प्पा, तो हड़प्पा आप सिंपली देख सकते हो रावी नदी के पास, ठीक है, और जो इसके उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, जो कि 2021 में इसे जो है किया गया था। और जो ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मोटोंगो मरी जिले में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोहनजोदड़ो, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, सिंधु नदी के पास, ठीक है, और इसके जो उत्खनन करता है वो है राखा लदास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में इन्होंने ये खोज किया था। और ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकांत जिले में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है चन्हू दड़ो, ठीक है, जो कि सिंध नदी के पास ही स्थित है, और इसके जो उत्खनन करता है वो है गोपाल मजुमदार, जो कि 1931 ईस्वी में इन्होंने ये उत्खननकर्ता की खोज किया था। और ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आप 9वें नंबर पे एक देख सकते हैं आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के पास स्थित है, और इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञ दत्त शर्मा, जो कि 1958 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया था। और ये स्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है ये स्थित है। तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में। और देखो नेक्स्ट आपका 10 जो है सुतका डोर है ना, सुतका केडोर, जो कि दासक नदी के पास स्थित है, और इसके जो उत्खनन करता है वो है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स, जो कि 1927 से लेकर 1927 एवं 1962 में इसकी खोज किया गया था इसका। और ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट पर, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट देख सकते हो बनमाली, जो कि रंगोई नदी के पास स्थित है, और इसके जो उत्खनन करता है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि 1974 ईस्वी में जो है इन्होंने उत्खनन करता की खोज मतलब इसकी खोज किया था। और ये कहाँ स्थित है, तो हरियाणा का जो हिसार जिला है, ठीक है, वहाँ ये स्थित है आपका बनमाली। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट्स थे, जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप इसे अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात, जो प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैन्य सभ्यता में ही प्रचलित थी, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है
कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, जो मिट्टी आग में पक जाती है उसे हम टेरा, ठीक है, टेरा कोटा कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर होगा वो होगा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।